अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू मेरे दोस्तों, मैं बड़ा अपना मेजबान शराफत अली रहमानी नवी वीडियो लेके हाजिर हुआ। मेरी हर वीडियो सुनने वास्ते ये मेरा पंजाबी चैनल फरियाद महमूद, इन सबसक्राइब करो, घंटी ऑन करो ताकि मेरी हर वीडियो तुहाडे कोल आसानी पहुंचे। तो इंशाल्लाह बड़े बड़े मजेदार लतीफे हासियां वाले ये तुहाडे पेश हुंदे रहणगे। गल है जी, ये एक बंदा सी बेचारा, तो वह किसी दुकान से गया चला। दुकान से गया तो दुकानदार ने जा कहता, यार आ मैनू चवानी का तेल तो दे, पंजी पैसे चार ने कहते सन, चवानी का तेल दे दे यार। उन्हें आख्या बई चवानी का तेल लिया वेले ले ला। हूँ दीवा उन्हें फटाया तो दीवे में जल्द पौन लगन उ पीक रखी, फिर पली चुक के जल वे लगन पौन तो अद्धा तेल थले डुल गया। उन्होंने आता यार मैं चवानी का तो तेल सी तो उन्हें जब अद्धा बड़ा डोल छेडे। वो आता कोई ऐसी गल नहीं, तेरा सिर सदका निकल गया। आता यार सिर सदका निकल गया, तेल मेरा डोल के तू आना सिर सदका निकल गया। आखिर आहो तेरा मेरा सिर सदका निकल गया। उन्हें सोचा भी इन्हें तेल मेरा डोल के सिर सदका बना दिता। उन्हें मान तेज पैर अड़ा के तो जरा दुकान वाले पीपा ही मुद्दा चीता। जल पीपा वाला मुद्दा तो वो आता लानती मेरा सारा पीपा ही डोल दिता ही। उन्हें कहा कोई गल नहीं, तेरा सिर सदका निकल गया। उन्हें आखने सिर सदका कोई नहीं, तू तो मेरा जान किता बहुता, तो चल भी मैं तेरे तो परचा देना है, मैं तेन अदालत चल जाता। उन्हें कहा चल मुड़ पाजा दोवे जने चलने हैं। तुर पै टुरदे जाते ने अगे वेख्या कि एक हलवाई हूँ मठियाई रख के ना तो दुकान से बैठा। चार पांच किस्म की मठियाई जी लहदा लहदा थालां च पाई हुई, कित जलेब पई हुई, कित रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी। हूँ जल्द दोवें बंदे गए, एक तो दुकानदार दूजा तेल वाला बेली, वो तेल वाला जाके उन्होंने पूछता हलवाई हाँ भैया मिठाई किमें लाई हूँ। उन्हें आखिर 60 रुपये किलो भाई। उन्हें आखिर अगली आ किस तरह, उन्हें आखिर ये भी 60 रुपये किलो। उन्हें आखिर अगली आ किस तरह दी, उन्हें आखिर भाई ये भी उंझे ही है। उन्हें आखिर अच्छा ये भी उंझे ही है क्या हो। उन्हें आखिर चंगा फिर इतों 2 किलो दे जा। 2 किलो मिठाई ले ली तो दो जना बह गया दी खा ली रज लिया तो तुर पाए। उन्हें कहा भाई मेरे पैसे तो दे। उन्हें कहा पैसे कह दे, तू आपे तो आख्या भी उंझे ही है। उन्हें कहा मैं तो तेन आख्या भी जिम्मे दूजी दी बेचता मैं 60 रुपये उ ये आ। उन्हें कहा तू 60 का ना नहीं ना लिया बई, तू आख्या उंझे ही है। उन्हें कहा मैं तो परचा देना अदालत ले जाना तेन। चल भाजा जाते मैं तू भी ना आ जा। 2 केस हो गए। अगे गया हाँ तो वे कह बुढ़ी जी माई खड़ी बेचारी, तो उन्होंने सद मार कहते वे पुत्रो मेरी गल तो सुनो जरा। मैं क्या हाँ माई की आनी है तू। उन्हें गल बच्चा गल है, मैं वडेरी हाँ तो मैं समझ नहीं पाऊंगी आगले पासो हाल हाल क्या रोला घाता है बू तो हाल रखा दी है। हूँ जो डीवे वाला से उन्हें आगे माई गल है तू ये दस भी कन्नी सुननी है हाल हाल या अखा वेख के हाल सुननी है। उन्हें आखा मेरा पुत्र अखा वेख के सुनिए तो मुड़ ज्यादा मजा उसकी। मैं अच्छा आया वो डीवे में जरा थोड़ा बहुत तेल है जुगी तो साढ़े घर चेक कर दी। जल्द रोड़ अग लग गई तो माई तो उच्ची रोला पा दिता, बह बह कर दी। उन्हें लै माई होना था वेल रोला था तू गति करती है रोला तो वे दी रहो रोला सुनती रहो। उन्हें कहा तू मेरा जान किता जुगी साड़ सट्टी है, मैं तेन परचा देना है। उन्हें बाजा मुड़ चल रहा वो टुरदे टुरदे अगे जल्द अदालत में जा बड़े ना। तो हूँ जो जज साहब से ना उनका टाइम होया खड़ोता से छुट्टी का, तो बाहर का संतरी बैठा उन्होंने जा तो तेल आना यार असं जज न मिलना है साढ़ा फैसला एक दो दे करो। उन्होंने वो संतरी बोलिया उन्हें कहा यार गल है चीज़ तुम कल आया जे, क्योंकि जज साहब का टाइम हो गया छुट्टी का, तो वह तो हूँ दुकान आपका वो तो दफ्तर बंद करके जा रहे हैं कल आया जी। वो जी ला लाया छित्र जो दसा उन्होंने संतरी दस संतरी धक्का मार के भरा सटा देगा बूहा ला कर अंदर वाड़ गया। अंदरों जज साहब बैठे तैयारी पकड़ते जामन की। उन्हें जज साहब साड़ी मिन्नत है साढ़ा जी एक दो केस ने गल ने सुनी जाओ रोला नबेड़ी जाओ। उन्हें जज ने फिर दोबारा जी दल ला दी। उन्हें हाँ भी करो गल बई। हूँ जोड़ा से दुकान वाला तेल वाला बेली उन्हें कहा जी मेरा ने पीपा डोलिया है तो डोल के मैनू आता तेरा कसर सदका निकल गया।
मेरा फैसला करो। उन्हें कहा हाँ भाई। उन्हें कहा जी देखो मैं इनके को गया चुआनी का तेल लैन वास्ते, इन्हें अद्धा तो डिबे च पा दिता, अद्धा ने थले रोट दिता है। तो मैं कहा यार चुआनी का तो तेल है, ये मेरा अद्धा थले डोल जा बड़ा कुछ ख्याल कर। क्या कोई गल नहीं, तेरा सिर सदका निकल गया। तो मैं हूं ठुडा मार के देन का भी पच रोड़ है, जो मेरा तेल डुलिया सिर सदका निकलता है तो यह नहीं सिर सदका निकलता। बोले जज जरा सुन आखा बिल्कुल भाई तू झूठा है, दुकानदार ने उन्हें आख्या केस बरी हो गया। वरी आ गई जो मिठाई वाले दी, हाँ भाई गल कर हाँ तू जाना। उन्हें आखा जी गल ये चीज दी है, मैनू आके आता है आ की पाए आ की पाया की पाया, तो मैनू आना तो हतोल दो। उन्हें आखा वेखो जी मैं इन आख्या भी ए की पाया, इन्हें आखा 60 रुपये, दूजी पुछिए तो इन्हें आखा 60 रुपये, त्रीजी पुछिए तो इन्हें आखा ये भी ऊंजे ही है, ये ऊंजे ही है। तो मैं आख्या भी तो फिर 2 सिर दे जा हूँ, असा वो 2 सिर लैके तो खा लीए तो टुर पाया है मैनू ये पैसे दे, पैसे का दे। उन्हें क्यों भी तू इवें आख्या भी ऊंजे ही। उन्हें कहा जी ऊंजे मैं तो इसको आख्या भी जिमें दूसरी का रेट है उवें ऊंजे इनका रेट है। उन्हें कहा पागला लानतिया तेन पता नहीं भी वो 60 रुपये तो ये भी 60 रुपये आख लगे को तेरा मुंह ना लगता से। चल भाई बरी केस बरी हो गया। माई की बारी आ गई, माई उन्हें माई आखा भी मेरे इन्हें झुकी साड़ सट्टी ना। हाँ भाई गल का क्यों साड़ी। उन्हें कहा जी इन्हें आखा भी हाल लका दी है। तो मैं आख्या भी अखी वेखनी हाल हाल कि कन्नी सुननी है। इन्हें कहा नहीं मेरा पुत्र अखी ना वेख्या मता चौखा आ। तो मैं फिर तेल सट के दे अग चलाई, मैं खिलाए दी हाल सुनती रोदी रोने हाल कती रख। उन्हें जज बोला ना कहा माई 70-80 साल तेरी उम्र है, तो पिछले पर कि हाल हाल सुनू था आराम न भवे तू जान के झुकी वाग लुआ बैठी। वो भी केस बरी हो गया। जब टुरन लगना तो जज ने आखा बह जो ना एक केस तेरे ते होर बनता है। उन्हें कहा क्या जी। उन्हें कहा जो मेरे संतरी छित्र दसे ने सिरे च उनका 8 आने जुर्माना है वो इत रख जा। हूँ जो बंदा सी कोल रुपया से बनया आया टुटे तो पैसे कुने एक सन, वो जो रुपया कटता आया तो उन्हें जनाब वाली उस मेज उत्ते रखा तो ला दया छित्र जा सिरे दसिया। उन्हें लो जी टुटे पैसे कुनी है 8 आने तुम रख लिया जी, तो 8 आने जड़े ने ना वो आपके संतरी दे दिया जी। वो ये लतीफा सी। इस तरह एक तो लतीफा होर सुनावा। एक शहरी कुत्ता ते एक देहाती कुत्ता पेंडू, ये दोवें आपस में बेली बन गए, दोस्त बन गए, बड़े गूढ़े भरा बन गए। तो एक दिन जेड़ा सी ना वो पेंडू कुत्ता वो शहरी नूं आंदा यार मेरे कोल आ, किसे दे मिलन गिल मेरे कोल आ, तेरी मैं खिदमत करना। उन्हें कहा ठीक है आवांगा यार, टाइम लगा ते आवांगा। लवी उहदा जो टाइम लगा ना एक दिन ते ओ मियाँ जी हूँ जो शहरी कुत्ता सी वो पिंड में जा बढ़िया। हूँ जल जा उस कुत्ते मिलया तो कुत्ते ने आकर बेली आया है उन्होंने नाल लैके गया जी। किसी उन्हें खुडा कबूतर बनया तो बिचो जनाब दोवे कबूतर कड़े चंगे रीझ आए तो उन्होंने खुआ दिते मार के कुत्ते खुआए। शहरी कुत्ते ने जल कबूतर खाधे तो बड़ा खुश हो बड़ा राजी हो बड़ी यार मेरी इन्हें खिदमत की। फिर जनाब वाली उन्हें आखो हूँ कुछ होर तेन प्यावा पा दिया अगर लगा पे तो किसी का जनाब वाली घड़नी वाला दुध पिया घटता पाया घड़नी जनाब वाली जो बनया उन्हें आंदा वो दरवाजा तो वे वड़ गया। तो उन्हें खा राजी थप्पी मलाई दुध वो अन्हें पाया। फिर जल दोपहरा का टाइम हो जनाब वाले किसी तो उन्हें कुकड़ा का खुडा बनया चंगा बंगी कुकड़ कटे तो उन्हें वो खुआ खुआया उन्होंने। हूँ शहरी कुत्ता जरा वो तो रजिया चंगा डंडे गिंदड़ा भैनिया मौज बनी है बारा। चलो हूँ मैं फुल हो गया तो मैं इजाजत दे मैं जाना तो हूँ यार किसी ने मैनू मिलने वास्ते आ। उन्हें कहा ठीक है आवा तो यार मेरा भी टाइम लगा ना तो मैं तेन जरूर मिलने वास्ते आवा। लवी एक दिन ना हूँ जो पेंडू कुत्ता से ज्याती वो टुर पाया। तुम्हें पता भी पहली बार उन्हें शहर जाना शहर अगर तो उन्हें वेख्या को नहीं हो तो शहरों के तुम्हें पता भी सड़क होंगे ने बड़िया बड़िया ट्रैफिक बड़ी होंगी ऊर्जा बड़ा ना जल्द शहर में तो ट्रैफिक लंघनी उन्हें एक सड़क बड़ी तो ट्रैफिक बड़ी वो जल्द थोड़ा सिर गेरे करे ना लंघन लगो कद कार आ जाए कद मोटर आ जाए मोटरसाइकिल आ जाए रक्षा आ जाए लग्या ना जाए बड़े बैल ना जो सोता उत्थे हो गया बेचारे वो डिगदा डिगदा जनाब उन्हें सड़क पार की
ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਵਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਛਾਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਬੜੇ ਲਿਬੜੇ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਕੈਪਜ ਦਾ ਛਾਪਰ ਲਿਬੜਿਆ ਆਇਆ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਆਇਆ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ, ਚੱਕਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਏ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਜੋ ਰੁੱਜਣ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚਸਕਾ ਮਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਬ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਜਣ ਰੁੱਜਣ ਕਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਤਨਾ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।